गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं सेट्स में। पीछे हमने सेट्स के ऊपर कुछ एक सब सेट्स, प्रॉपर सब सेट्स, इंटरवल्स, लेंथ ऑफ इंटरवल्स के बारे में बात की थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर सब सेट्स एंड पावर सेट। फर्स्टली आवर क्वेश्चन इज दैट if two finite sets having m and n elements and the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of second set, then find the value of m and n। यानी क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, दो सेट दिए हुए हमें, एक सेट में m एलिमेंट है। अगर हम उन एलिमेंट्स को गिनती में काउंट करें, हम उनको काउंट करने की कोशिश करें तो वो m हो, बल्कि m का मान हमारे पास नहीं है, यानी वो काउंट हो सकते हैं, काउंटेबल है, m की वैल्यू डेफिनेट है। और दूसरा सेट है उसमें n एलिमेंट है, उसकी भी वैल्यू डेफिनेट है, यानी काउंटिंग में हम उनके एलिमेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो दो सेट हमारे पास गिवन है, उन दोनों सेट में कंडीशन ये दी गई है कि जो पहला सेट है, फर्स्ट सेट, पहले सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स, पहले सेट में सबसेट्स की संख्या, नंबर का मतलब होता है संख्या, टोटल कुल संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स और फर्स्ट सेट, पहले सेट में सबसेटों की जो संख्या है वो 56 मोर देन, यानी 56 ज्यादा होनी चाहिए, 56 अधिक इज होगी, 56 अधिक होगी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट, देन द, देन बीच में लगा हुआ है मोर देन, यानी कि किससे, किसकी बजाय किसकी, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट, जो हमारा दूसरा सेट है उसके नंबर ऑफ सबसेट्स से। तो हम यहाँ पे दो सेट लेते हैं, उनका नाम दे सकते हैं, लेट एनी टू सेट्स ए एंड बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट करवाना है, सॉल्यूशन देखें इसका, लेट टू सेट ए एंड बी। अब दो सेट हमने लिए हैं ए और बी, दो सेटों में हमें नंबर ऑफ सबसेट्स का भी जिक्र करना है। तो यहाँ पे पहले सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू n। पहले सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, पहले सेट में कितने सबसेट हम बना सकते हैं, सबसेटों की संख्या। देखिए इस बात का डिस्कशन पहले टॉपिक्स में, पहले लेक्चर में, पहली वीडियो में हम कर चुके हैं कि सेट ए में m एलिमेंट है तो उसमें कितने सबसेट आप बना सकते हो। अगर सेट ए में m एलिमेंट है तो हम कितने सबसेट बना सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स कैन मेक फ्रॉम सेट ए इफ हैविंग एलिमेंट m। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट ए में अगर m एलिमेंट है तो कितने सबसेट बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, यहाँ पे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 raised to the power m। हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, पहले हम बता चुके हैं 2 raised to the power n का फॉर्मूला होता है जो बाइनोमियल की हेल्प से बनाया जाता है किसी सेट के सबसेट्स की संख्या निकालने का। अगर किसी सेट में दो एलिमेंट है तो वहां पे कितने सबसेट बना सकते हैं, हम 2 raised to the power 2 4। किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो वहां कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 raised to the power 5। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसी सेट में m एलिमेंट हो तो हम कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 raised to the power m। इसी तरह से यहाँ पे सेट बी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 raised to the power n। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स के ऊपर कंडीशन लगा रखी है
कि जो पहला सेट है उसमें जो सबसेट्स हैं, पहले सेट में कितने सबसेट्स हैं, 2^n। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन देखिए क्या है, जो पहला सेट है उसमें सबसेट्स की जो संख्या है वो 56 मोर यानी अधिक है, 56 ज्यादा है। पहले सेट में सबसेटों की संख्या 56 ज्यादा है, पहले सेट में सबसेटों की संख्या होगी 2^m और ये जो संख्या है ये 56 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, दूसरे सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट, दूसरे सेट में सबसेट्स की संख्या से। तो दूसरे सेट में सबसेट्स की संख्या कितनी हुई, 2^n। इट मीन्स ये जो संख्या है ये 56 अधिक है, ज्यादा है ये 56। तो हम क्या करेंगे, यहां 56 ऐड कर देते हैं और दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि वो वाली जो संख्या है फर्स्ट वाली ये अधिक है, ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो हम इसमें 56 ऐड कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब 2^n को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 2^n इक्वल टू में 56। अब मैं क्या करता हूं, इसी स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 2^m गुना 2^n डिवाइड बाय 2^n माइनस 2^n इक्वल टू 56। देखिए इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ मैंने 2^n पहले से है, इसको 2^n से गुणा किया, 2^n से भाग किया, बैलेंस बना दिया। अगर मैं इन दोनों को काट देता हूं तो वही फिर वापस पहुंच जाते हैं। अब यहां देखिए इन दोनों में यहां पर 2^n यहां पे भी है और 2^n यहां पे भी है, दोनों में बन गया। तो अब इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2^n, 2^n हमने कॉमन ले लिया। सॉरी यहां क्या बच गया हमारे पास, देखिए 2^m डिवाइड बाई 2^n, इन दोनों का देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, दोनों एक्सपोनेंट्स में बेस सेम मिले डिवाइड का साइन हो बीच में, तो वहां पे पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। तो ये पावर सबट्रैक्ट होंगी तो ये आपके पास बन जाएगा 2^m-n और माइनस में 1, ठीक है। और आगे 56 है, 56 को मैं लिख सकता हूं 1 × 7। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 2^n, 2^n इंटू ये यहां पर हमने कॉमन लिया है, 2^m-n हमारे पास बचा हुआ है और इक्वल टू 8 है, इंटू में 7। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2^3 और 7 को लिख सकता हूं 2^3-1। 2^3 8 ही होता है, 2^3 भी 8 में से 1 लेस करेंगे, 8-1=7। तो अब देखिए यहाँ पे हम बातचीत करें आगे तो दोनों तरफ हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ 2^n है, ये 2^m-n-1, अब ये 2^3 2^3-1, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस बना हुआ है, यहाँ पे इनका बेस सेम है, यहाँ पर इनका भी बेस सेम है, ये बिल्कुल सेम पैटर्न बना हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो सेम थिंग अगर हमें मिलती है तो हम वहां पे दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इक्वलिटी ऑफ एल्जेब्रिक लगा सकते हैं, जैसे हमारी इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होती है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसी तरह से यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ एल्जेब्रिक लग सकता है। और यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग हम कह सकते हैं कि 2^n है वो तो हो जाएगा 2^3 के बराबर, दैट इंप्लाइज n इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के बराबर लिखेंगे तो ये देखें 2^m-n, 2^m-n-1 इक्वल टू 2^3-1 के बराबर,
वन से वन कैंसिल हो गया और यहाँ हम एन का मान तीन रखेंगे, तो यहाँ पे एक मिनट के लिए देखिए, पहले अभी देखिए आगे, इन दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन आया हुआ, इक्वल टू का बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पावर्स भी समान होंगी, तो m माइनस एन इक्वल टू थ्री और n का मान हम तीन रखेंगे तो m माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू सिक्स, तो m का मान हमारे पास आ गया सिक्स और n का मान हो गया थ्री, यानी कि जो पहला सेट था उसमें तो हमारे पास छह एलिमेंट थे n ऑफ a इक्वल टू सिक्स और दूसरे सेट में तीन एलिमेंट होंगे, n की वैल्यू थ्री हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला तो ये यूज किया है, देखिए दो दो फॉर्मूले यूज किए हैं, a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर n बराबर होता है m माइनस में n, अगर दो संख्या आपस में भाग में हो दोनों का बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। एक तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, एक यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का अगर हमें जिक्र करना हो, कहीं पे भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हमें यूज करना है तो वो टू रेज टू द पावर एन होता है, इफ एनी सेट हैविंग एन एलिमेंट, अगर कोई सेट एन एलिमेंट गेन करता है तो उसमें हम सबसेट्स की संख्या निकालते हैं टू रेज टू द पावर एन से, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे छोटा सा अप्लाई किया था कि अगर यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर भी हमारे पास समान होगी, यानी कि कह सकते हैं a रेज टू द पावर m इक्वल टू a रेज टू द पावर n, देयरफॉर m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, एक ये फॉर्मूला। तो ये हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव इक्वल टू फोर, यानी हमें कोई एक सेट दिया हुआ है फाइव और उस फाइव का पावर सेट निकालिए, जो आता है उसका पावर सेट निकालिए, जो आता है उसका पावर सेट निकालिए और फिर उसमें एलिमेंट्स की संख्या बतानी है, एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की संख्या भी डिफाइन करनी हमें फिर, और वो किसके इक्वल प्रूव करनी है, फोर के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें जो सेट गिवन है वो फाइव है, फाइव हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले हमें ये सेट दिया हुआ है फाइव, यानी नल सेट, नल सेट के अंदर होते हैं जीरो एलिमेंट, तो हमें इसका निकालना है पावर सेट। तो देखिए पावर सेट होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, प्रत्येक सेट के पावर सेट को डिफाइन करने के लिए हमें उसके सबसेट्स का कलेक्शन करना होता है, तो यहाँ पर इसका सबसेट्स निकालेंगे हम, इसके सबसेट्स हमें डिफाइन करने हैं, तो फाइव यहाँ पे है, इसका हमें सबसेट निकालना है, तो इसका सबसेट क्या होगा, यहाँ पर फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं, जीरो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका तो सबसेट अगर हमें निकालना होगा तो ये फाइव यानी नल सेट है, इसका सबसेट निकालेंगे तो दो की पावर जीरो, यानी एक ही इसका सबसेट बनेगा और वो एक क्या बनेगा, इसका खुद अपने आप बन जाएगा फाइव, बन जाएगा फाइव, बन जाएगा इसका सबसेट। तो इसका पावर सेट बनाना अगर हमें, तो देखिए क्या बनेगा इसका पावर सेट, देखिए इसका सबसेट तो एक बनेगा ये खुद अपने आप, पावर सेट बनाना है तो पावर सेट तो कलेक्शन होता है सभी सबसेट्स का और सबसेट एक ही है फाइव, तो सबसे पहले वाला पावर सेट जो बनेगा ये फर्स्ट वाला, ये जो पावर सेट फाइव का होगा वो ये बनेगा आपका, ध्यान से देखिए फिर से, हमारे पास ये सेट दिया हुआ है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबसेट्स के अकॉर्डिंग टू रेज टू द पावर एन है, तो एन का मान जीरो रखेंगे यानी कि एक यहाँ पे अपने पास सबसेट बनेगा, और एक सबसेट कौन सा बनेगा, यहाँ पे इसका खुद अपने आप ही बन जाएगा फाइव होता है, तो फाइव का फाइव बनेगा सबसेट, तो यहाँ पे फाइव का फाइव बनेगा सबसेट, तो फाइव तो इसका सबसेट हो गया। अब मैं इसको पावर सेट में लिखने जा रहा हूं, तो पावर सेट के लिए अलग से कलेक्शन यानी अलग से सेट की हमें नोटेशन लेनी पड़ेगी इस तरह से, और ये फाइव के अंदर हो गया। अब हमारे पास ये एक सेट है,
इसके अब हमें सबसेट निकालने हैं, फिर उसका पावर सेट, ये दूसरे वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पावर सेट निकालना, हमें सेकंड पावर सेट निकालना है। तो अब इसका पावर सेट निकालना है, और इसका पावर सेट निकालने से पहले इसके सबसेट निकालेंगे, इसके सबसेट निकालेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है इसमें, फाइव। तो इसके सबसेट कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी 2 बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे इसके सबसेट, देखिए, एक तो ये खुद अपने आप हो जाएगा, और एक होता है 5। 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता, हर एक का, जैसे ये खुद अपने आप में 5 था तो उसका सबसेट 5 हुआ, और तो कुछ बना नहीं सकते इसमें अपने आप, खुद भी अपने आप में 5 और वैसे भी 5 बन सकता है इसका, तो एक ही बनेगा इसका 5। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है इसके अंदर, यहाँ पर एक एलिमेंट माना जाता है, ये सिंगलटन सेट माना जाता है, ये एक इम्पटी सेट नहीं है, इम्पटी सेट ये है, ये इम्पटी सेट नहीं है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट। कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये बनेगा इसका सबसेट, और एक ये बन जाएगा। 5 तो सभी का होता है, एक खुद बन गया है। अब इसका हमें पावर सेट बनाना है, पावर सेट बनाना है, तो मैं इसको कलेक्शन में ले लूंगा, क्योंकि सबसेट्स का एक कलेक्शन होता है पावर सेट, तो मैं इसको कलेक्शन में ले लेता हूं। ये कलेक्शन ले लिया मैंने, इन दोनों सबसेट्स का कलेक्शन ले लिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसका पावर सेट बन गया, यानी कि सेकेंड पावर सेट भी मेरा सॉल्व हो गया। इसको मैं कह सकता हूं पावर सेट ऑफ 5। सेकेंड पार्ट हो गया मेरा, यानी सेकेंड सबसेट, सेकेंड पावर सेट सोल्व हो गया मेरा। अब इसके बाद मेरे को थर्ड पावर सेट और सोल्व करना है, तो थर्ड पावर सेट सोल्व करने के लिए, यानी इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट निकालना है इसका, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे वो देखेंगे हम पहले, यहां कितने एलिमेंट है, 2, पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट क्या है, ये पूरा सेट, ये पूरा सेट दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, तो इसमें 2 एलिमेंट हुए, तो इसमें कितने सबसेट बना सकते हैं, 2a to the power 2, 4 सबसेट बनाए जा सकते हैं इसके, हम 4 सबसेट बना सकते हैं, 4 सबसेट बना सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे 4, वो देखिए, एक तो पहला एलिमेंट सबसेट बना रहा हूं मैं इसको, इसको सबसेट के रूप में लिखेंगे, तो यहां डबल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगेंगी, 1 ये खुद बन जाएगा, 1 सभी का होता है 5, सभी का 5 होता है। तो यहां पे कितने बन गए हमारे पास, 4 सबसेट बन गए इसके, इसमें 2 एलिमेंट थे, 4 सबसेट बन गए, और मैं इनको एक कलेक्शन में लिख लेता हूं, एक कलेक्शन में लिख लिया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट बन गया, थर्ड मेरा पावर सेट भी हो गया, यहां से सो पावर सेट ऑफ 5 बोल देंगे इसको, थर्ड पावर सेट है ये। अब यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने है, काउंट करेंगे एलिमेंट, 1, 2, ये पूरा 3 और ये 4, तो कितने एलिमेंट है हमारे पास, टोटल 4 एलिमेंट हुए। यहां से एक बार फिर से देख सकते हो, यहाँ 2 एलिमेंट हमारे पास है, तो 2 raised to the power 2, 4 सबसेट बनेंगे, पहला सबसेट इसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, दूसरा सबसेट बनाएंगे तो इसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, तीसरा सबसेट बनाते हैं तो इन दोनों को लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में, और चौथा 5 होता है, ठीक है। तो ये इतने हमारे सबसेट बन गए, और इनको मैंने कलेक्शन में ले लिया, यानी एक सेट में लिख लिया, तो वो पावर सेट बन गया। अब इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन लेवल पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें कितने कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर, यहां नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ। अगर एक और पावर सेट भी लगा सकते हैं हम इसमें, कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, इससे अलावा एक और भी आ जाता है, इसमें एक पावर सेट और भी लगा सकते हैं हम आगे, जैसे एन ऑफ पी लग जाए इस तरह से आ जाए आगे, तो वहां पे फिर इसके हमें सबसेट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 16 बनेंगे फिर वहां पे। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर हमारे पास 5 के
तीन सबसेट पूछे जा तीन पावर सेट पूछे जाते हैं तो 2 raised to the power 3 यानी कि यहाँ पे 2 raised to the power 2 4 बनेंगे, और अगर चार पावर सेट की बात करें तो 2 raised to the power 4 हो जाएगा यहाँ पे, और वो हो जाएंगे 16 एलिमेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है।